पैसा ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है, क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना वो फिर बिना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। ये बात तो बिल्कुल सही है हिंदुस्तानी भाव, पैसा इंसान को बदल ही देता है। अब आपको ही देख लो, आप पहले गाड़ी की कंफर्ट में बैठ के आराम से लोगों को गालियां दिया करते थे, देशभक्त हुआ करते थे, कट्टर हिंदू हुआ करते थे। फिर आपको ये शो मिल गया जिसमें antarvasana.com की स्क्रिप्ट के ऊपर आपको वीडियो बनानी होती है, लेकिन पैसे के लिए आप ये गंदा काम कर ही रहे हो ना। हिंदुस्तान का सबसे बकचोद शो का टाइटल ही कंफ्यूजिंग है, अनसुनी तेरी कहानी मैंने सुनी। अगर कहानी सुनी रहे हो तो फिर अनसुनी कैसे हो गया? कभी कभी समाज में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनका गाली खाना हॉबी बन जाता है, उन्हीं में से एक है हिंदुस्तानी भाऊ। ये पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हिंदुस्तानी भाऊ जब तक 500, 600, 700 गालियां डेली नहीं खा रहे कमेंट बॉक्स में, इसको चैन की नींद नहीं आती है, इसीलिए तो इतना घटिया शो बना रहा है। भाई इस शो में क्या हो रहा है? ना मुझे शादी नहीं करनी। मत करना लौड़े। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाऊ, आई एम गे। तो इसमें शौक क्यों रहा भाऊ? इस बंदे की शक्ल देख के कोई भी बोल देगा कि ये गे है। 6 किलोमीटर दूर से मैं इसका हेयर स्टाइल देख के बता सकता हूँ कि आदमी गे है। वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है? जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाऊ। फिर भी वो कहते है कि मुझे आपसे शादी करनी है और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली। भाई मेरा शातिर दिमाग ये कह रहा है कि वो लड़की इसके पैसे के पीछे है और ये पक्का किसी बहुत अमीर बाप का बेटा है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि शक्ल से तो नहीं लग रहा है। ओ यार संकेत, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। अरे ये नौटंकी कर रहा है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो मेरी माँ बहुत बिखर गई थी और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। भाई इस शो का सबसे मेन इंग्रेडिएंट पता है क्या है? वो है सेक्स। तुमको हर स्टोरी में एक चीज कॉमन मिलेगी, कोई ना कोई किसी ना किसी की ले रहा है या फिर लेने वाला है या फिर ले चुका है। यही हो रहा है शो में और मैं वेट ही कर रहा था। मैं इस स्टोरी में भाई सेक्स नहीं आया अभी तक। एक गे लौंडा दूसरे गे लौंडे से प्यार में पड़ा हुआ, लेकिन दूसरे वाले गे लौंडे की मम्मी का पहले वाले गे लौंडे का पापा ढिंचक ढिंचक। रिश्तों में ना वो देखो जो वो छुपाना चाहता है, वो मत देखो जो वो दिखाना चाहता है। हिंदुस्तानी भाऊ इतना नॉटी निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। हाँ तो पब्लिक ईगो की लड़ाई में वही जीतता है जो हारता है। ये कैसी बकचोदी है भाई? मुझे सच सच बताना सब। जो तुमने उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया वही तो बताएगा, और उसी के साथ खड़ा हूँ मैं जो इंसान सही है। लेकिन भाऊ आप तो बैठे हो ऐसा नहीं, यहाँ पे लड़की है तो उसको ज्यादा इज्जत और लड़का है तो उसको कम इज्जत, यहाँ ऐसा नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि भाऊ इज्जत देने में बिलीव ही नहीं करता है। लड़का हो या लड़की, भाऊ सिर्फ इज्जत लेने में बिलीव करता है, देने में भाऊ को कोई विश्वास नहीं है। आपके प्रॉब्लम का जो फैसला होता है ना वो हम नहीं करते, ये हिंदुस्तान की जनता करती है। ये जिस तरह बात कर रहा है ना, जिसको ये पब्लिक पब्लिक बोल रहा है, भाई वहाँ कोई नहीं बैठा, ये अकेला आदमी वहाँ स्टेज पे खड़ा होके खाली कुर्सियों से पता नहीं दीवार से बातें करता रहता है। एक आदमी बैठा होगा भाई जो वो फोकस लाइट यूं यूं पकड़ के बैठा है और यूं यूं घुमाता रहता है, बस उसी को पब्लिक पब्लिक बोलता रहता है। भाई एक आदमी को पब्लिक नहीं बोलता। एक वचन बहुवचन नहीं पढ़े थे क्या स्कूल में? सिंगुलर प्लूरल। भाऊ मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्योंकि भाई तेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसलिए इज्जत करता है तू भाऊ की। भाऊ इज्जत के लायक है नहीं। ये तेरी शान पत्ती है ना और दादागिरी, ये बाहर छोड़ के आने का, मेरे सामने औकात में रहने का, हाँ नहीं तो दादागिरी बिदागिरी जितना भी है ना तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा इधर ही। आप वो सारी दादागिरी बिदागिरी इसकी पिछवाड़े में, ये आगेगा कैसे? आप समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं कि समस्या को बढ़ाना चाह रहे हैं? वो गलत हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं करता है, मगर तू भी सही नहीं हो सकता है। तो भाऊ वो भी गलत है ये भी, तो सही कौन है फिर? भाऊ प्रॉब्लम ईगो की नहीं है, मैंने कभी ऐसा जताने की कोशिश नहीं करी कि मैं बॉस हूँ, बट प्रॉब्लम इसकी है कि ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि मैं इसकी बॉस हूँ। इसका मेल ईगो बीच में आ जाता है ना। मैं कौन है इसका स्क्रिप्ट राइटर, किसी को जबरदस्ती बिठा के स्क्रिप्ट लिखवाई जा रही है? जैसे नहीं ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे बनाने वालों के, मैं इस स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ के ना भाई उसकी उंगलियों को पत्थर पे रख के ऊपर से पत्थर मारूंगा नाना पाटेकर की तरह। पहले बोल रही है कि ईगो प्रॉब्लम नहीं है, फिर बोल रही है कि इसका मेल ईगो प्रॉब्लम है। मेल ईगो फीमेल ईगो से अलग होता है क्या? मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में
करते देखा। अब मुझे रियलाइज ये हो रहा है कि इस शो की ना कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहा, इंटरनेट पे ही वो जो antarvasana.com जैसी सेक्स स्टोरीज वाली वेबसाइट है ना भाई, ये उनकी स्क्रिप्ट को उठा के उसी में वीडियो शूट कर रहे हैं बस। ये बंदी, इसका पति चले गया, इसके पति का जो बेस्ट फ्रेंड था वो इसका ध्यान रखता था, इसने उससे शादी कर ली, फिर इसके पति के बेस्ट फ्रेंड ने जो कि अब इसका पति था इसकी बेटी के साथ रिलेशनशिप इसकी बहन को, ये पक्का किसी थर्ड ग्रेड सेक्स स्टोरी की स्क्रिप्ट है। मेरा ही पति अपनी बेटी के साथ कर रहा है, इतनी गंदी वाहियात स्क्रिप्ट, और ये बंदा हॉर्नी फेस बना के बैठा। ये हिंदुस्तानी बाबू का हॉर्नी फेस है। पीछे बैठ, हाँ मेरा वेट कर। मैंने बोला था ना भाई, मैंने बोला था ना ये हॉर्नी फेस है बाबू का, देख लो तुम। ये है इंटरनेट के कट्टर देशभक्त और कट्टर हिंदू, इनको चाहिए भाई पैसा, व्यूज के लिए माता, व्यूज के लिए भगवान, और व्यूज के लिए देश, और व्यूज के लिए भाई फिर antarvasana.com की कहानियां बेचना शुरू कर देते हैं। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा, इसका बाप भी करेगा, समझा, इसका बाप भी करेगा। अब इसका बाप अगर इस लड़की से शादी कर लेगा तो ये लड़की उसकी बहन हो जाएगी ना, क्या बकचोदी कर रहा है। आज इसके साथ ना मैं खड़ा है, इसका भाई, हाँ, और पूरा समाज भी इसके साथ खड़ा है। भाई समाज आराम से लेट के मजे ले रहा, समाज को कोई नहीं पड़ी किसी के साथ खड़े होने की, बकचोदी मत करे। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ऋषभ, वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। मैं 19 साल से टॉपर रहा हूँ, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो, मैंने हमेशा टॉप किया, पर उसने चीटिंग की बैंड का, चीटिंग की कंप्लेंट भी हिंदुस्तानी बहू के पास लेकर आ गए। भाई कौन है, किससे लिखवा रहे हो स्क्रिप्ट। उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए HOD जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चला है, उनके साथ अफेयर चला है। फाइनली द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट सेक्स चक्कर इज बैक। कितना बड़ा झूठा, तो दिल तो करता है तेरा मुंह गोबर में लपेट के तुझे खींच के मार। गोबर में मुंह लपेटने से क्या होगा, उसके टट्टों में करंट छोड़ दे। भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे कहा था कि ये माधवी को पटाना चाहता है, कि वो माधवी भी इसमें इंटरेस्टेड है, और ये इसलिए पटाना चाहता है ताकि माधवी इसे सारे रैंक्स में नंबर 1 पहुंचा दे और इसका CGPA क्लियर हो जाए। आओ, ये बात सच है कि मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ, पर इतना तमाशा हो जाने के बाद मेरी जॉब भी चली गई। मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे वो सच्चा वाला प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो ऐसा नहीं है, बट पसंद ही हो सर। सच कहो तो भाव ना, मेरी जॉब गई नहीं है, मैं बस तुम्हारी असलियत चेक कर रही थी। औकात, ये है तुम्हारी औकात। इस खेल में सारे ही खिलाड़ी हैं, वो अपनी HOD को पटा रहा है क्योंकि उसको अच्छे रैंक लेने हैं, HOD पट भी जा रही है लेकिन फिर वो नौकरी छोड़ दे रही है, नौकरी छोड़ने के बाद बंदा HOD को छोड़ दे रहा है, फिर HOD बोल रही है कि मेरी नौकरी नहीं गई है, मैं तो तुम्हारी औकात। अरे बहनचोद, कौन सी 600 डायमेंशन की चेस चल रही है ये।